जोरदार अभिनंदन करो पवन शर्मा जी। जिला अध्यक्ष रमेश चुकंदर जी, जिला अध्यक्ष का प्रणाम। आप कल जोरदार तरीके से कमल जी का रथ यात्रा से जनसंपर्क करा रहे थे, जोरदार तालियां जिला अध्यक्ष जी के लिए। संजय राय जी, संजय भाई, जोरदार अभिनंदन। ऋतुराज जी कहाँ है, ऋतुराज जी आप, आवाज चौहान, पवन सिंह जी, आवाज जी, राजेश अग्रवाल जी, राजेश जी पीछे हैं, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करें। मुझे इस बात हरी सरजाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जो जहां वहां के लिए तालियां बजा दो खूब आनंद के साथ। जो कार्यक्रम करता है उसकी दिक्कत ये रहती कि किसका नाम छोड़े, उसको अपने मन में एक भार रहता। और मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पे हिमांशु भाई के लिए जोरदार तालियां बजाए, इतनी जबरदस्त अपने चुनाव की दृष्टि से। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में चार चरण के चुनाव संपन्न हुए, पांचवा चरण का चुनाव चल रहा है और मैं लगातार एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से हर एक प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने मैं भी जा रहा हूँ और भाजपा के सभी नेतागण जो स्टार प्रचारक है उनका भी जाने का फर्ज है। लेकिन ये बात तय है, चाहे उत्तर प्रदेश में जाओ चाहे हरियाणा में, आज दिन में रोहतक हरियाणा से लौटा, झांसी उत्तर प्रदेश गया, दतिया से होता हुआ वापस दिल्ली आया, दिल्ली से कल झारखंड जाऊंगा। लेकिन एक के बाद एक जैसे जैसे माहौल बनता जा रहा है चुनाव का, एक बात पक्की होती जा रही है कि ये सारे घमंडियों का घमंड जमीन पे आ रहा है और मोदी सरकार फिर इस बार मोदी सरकार, इस बात में कोई शक नहीं। लगातार जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, हम सब गौरवान्वित भी है, दिल्ली की धरती पर खड़े होकर के जब बात कर रहे हैं तो दिल्ली से जो आवाज निकली है ऐसा दिल्ली का अपना इतिहास भी है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के बाद जिस प्रकार से दिल्ली का पीएमओ और भारत सरकार का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, लगा के दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी का देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिनके हाथों में सुरक्षित हो जाए, वो प्रधानमंत्री का अपना वजन कैसा होना चाहिए। दुनिया आज इस बात के लिए आनंद मनाती है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने अपनी गति प्रगति बढ़ाई और हम सब देख रहे अपनी आंखों के सामने कल बनारस में। अरे ये वही दिल्ली और प्रधानमंत्री का पद है जहां पर बैठ करके हमारे सनातन धर्मी गंगा के किनारे बाबा विश्वनाथ की जयकार कर रहे थे, हमारे लिए सौभाग्य की बात। कहां ऐसा लगता था कि भगवान की जयकार करने से लोगों के वोट कम हो जाते, कितना छोटा सोच था पहले। और आज बदलते दौर का भारत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोबाइल बना करके अपने बेचने में दुनिया में सेकंड नंबर पे, अगर कोई आर्थिक रूप से अलग अलग प्रकार के विकास की बात करें, कौन सा क्षेत्र छूट रहा भारत का। अपने दुश्मनों को भी उनके घर में जाकर के मारने वाले देश में भारत अगर शामिल हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिन्हें पाकिस्तान को उसके घर में जाकर के एहसास कराया कि हमारे सीमा के अंदर निरपराध सैनिकों के साथ या आम नागरिकों के साथ अगर कोई हरकत करेगा तो उसको उसके घर जाकर के मारने के लिए मोदी जी की सरकार के पहले केवल दो दो देश थे, एक अमेरिका और एक इजराइल, जिनका यह रिकॉर्ड था कि वो अपने दुश्मनों को ना घर में छोड़ते ना बाहर छोड़ते। अब हमें इस बात का गर्व है और उसका परिणाम कैसा आया ये दिल्ली तो गवाह है। दिल्ली में याद करो 10 साल पहले कोई साइकिल पे बम फोड़ता, कोई टिफिन में बम फोड़ता, कोई सिनेमा घर में बम फोड़ते, लगातार पूरे देश के अंदर कहां कहां भी आतंकवादी घटना होती।
लेकिन समर्थ नेतृत्व होता है, सक्षम प्रधानमंत्री बनता है तो सेनाओं का भी मनोबल सातवें आसमान से ऊपर जाता है और पूरे देश की तो बल्ले बल्ले होती है और दुश्मनों के पेट गीली होती है। ये हम दुनिया के अंदर दिखा रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। मैं जिनके सामने बात कर रहा हूं ये तो यदुवंशियों के साथ दिल्ली वासियों की बैठक है। मुझे इस बात का प्रसन्नता है, आज मैं दिन में हरियाणा में जहां भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले कितने सैनिक होंगे आमने सामने कौरव पांडव का, क्या उस समय का माहौल बना होगा। लेकिन युद्ध के ऐसे काल में भी ज्ञान की बात कोई विद्यार्थी करता है और उसके मुखारविंद से भगवान ने जो पढ़ा जीवन काल में उज्जैन में, 18 पुराण, 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे उपनिषद और केवल ज्ञान किताबी नहीं, जब जरूरत पड़े तो अपने मुखारविंद से सबका सार, अपने को कितना अच्छा लगता है वो उनके मुंह से निकली हुई गीता दुनिया के अंदर एक पवित्र ग्रंथ करके स्थापित हुई। हमारे लिए वो गीता इतना पवित्र ग्रंथ है, लेकिन उसका और आनंद बढ़ जाता है चुनाव के बेला में जब मोदी जी की बात करते हैं और दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा राष्ट्र अध्यक्ष जब भारत में आता है और भारत में आने के बाद उनको क्या देना चाहिए। पहले की सरकार कभी ताजमहल देती थी, कभी कुछ और देती थी, अरे इतनी पवित्र ग्रंथ। अमेरिका के राष्ट्रपति आए, आनंद के साथ मोदी जी ने पवित्र गीता उनको भेंट की, जिसके कारण से दुनिया में हमारे ज्ञान का डंका बजा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे गीता से पवित्र ग्रंथ कौन सा हो सकता है? जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच अगर अपने जीवन में पुण्य कर्म करने का मौका मिलता है तो ऐसे पुण्य कर्म भगवान कृष्ण के जीवन में कितने अध्याय है एक एक करके देखो। दुनिया की पहली क्रांति, कंस को घर में जाके मारा, लेकिन मारने के बाद भी कुर्सी पे नहीं बैठे, महाराज उग्रसेन को कुर्सी दी और खुद शिक्षा ग्रहण करने आए। तो शिक्षा का महत्व क्या है ये भगवान ने अपना अपने जीवन के आचरण से बताया। एक गरीब आदमी से दोस्ती अपने आश्रम में स्कूल के समय हो जाती, तो गरीबी अमीरी की दोस्ती का प्रमाण भी आप बताओ। सुदामा से जो दोस्ती हुई भगवान कृष्ण की, आज तक दुनिया का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनेगा। कहां द्वारकाधीश हो गए भगवान, सब प्रकार की व्यवस्थाओं से समृद्ध होकर के, लेकिन अपने गरीब मित्र को नहीं भूले। गरीब मित्र ने खबर करी, वो गरीबी से कठिनाई से अपनी पत्नी के ताने सुन सुन करके अपने घर की कठिनाई बताने आया था कि भाई मैं कृष्ण भगवान बहुत समर्थ हो गए तो कुछ ले लूंगा। पोटली में चावल बांध करके आने वाला गरीब मित्र, लगातार कृष्ण भगवान ने जिस दिन से उनकी आव भगत की आंसुओं से तो पैर धो दिए, लगातार एक महीना, दो महीना, चार महीना, छह महीना अपने यहाँ रख करके उनको ऐसे आनंद से रखा कि वो अपने घर को भूले, लेकिन फिर घर की याद सताने लगी। पर मुंह से बोले कैसे, इतना चारों तरफ का वैभव कि घर की गरीबी बताते हुए आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन बार बार रोकते रोकते वो बोल नहीं पाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको धूमधाम से विदा किया। भगवान के जाते आते समय वो सुदामा विचार कर रहे थे, ये कृष्ण कैसे व्यक्ति है, इनने मेरे हाथ में तो कुछ दिया ही नहीं, वो श्रीमती माँ इंतजार कर रही तो मैं क्या करूंगा, आज आया तो मैं मांगने ही था। लेकिन ये भगवान ने एक और नया दोस्ती का रिकॉर्ड बनाया, रथ से भिजवाया, कपड़े वही जो जैसे आए थे, बदलाव कुछ भी नहीं, लेकिन दिया कुछ नहीं। और जैसे ही घर पहुंचने के 10 किलोमीटर दूर से सेवकों ने प्रणाम करना चालू करा, कहा गरीब ब्राह्मण और कोई नमस्कार कर रहा, विशेष प्रकार से आदर से देख रहा, मालूम पड़ा घर जाके तो जिस झोपड़ी से आया था वह भव्य विशाल महल बनवा दिया, इतना धन दिया कि उसको लगा कि क्या दुनिया आ गई है। भगवान कृष्ण ने कितना बड़ा संदेश दिया, भगवान कृष्ण ने संदेश दिया कोई गरीब मित्र भी हो तो मुंह पे उसके हाथ में दे करके उसकी निगाह नीची मत करो, पीठ पीछे मदद करो। गरीब भी है तो क्या हो गया, लेकिन हमारा अपना मित्र है। ये भगवान के कदम कदम पे कितने प्रकार के अलग अलग प्रसंग है, इन प्रसंगों के बलबूते पर आज के इस लोकतंत्र में ज्यादा हमको समझ में आने वाली बात होगी, क्योंकि हम सब बात करते हैं
मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री के पहले शिक्षा मंत्री था, मेरे मन में भी कसक थी, अरे ये शिक्षा की नीति कैसी, पहले अंग्रेजों को मान लो कि लॉर्ड मेकाले ने गलत शिक्षा दे दी होगी, लेकिन इसके बाद देश की आजादी तो 47 में मिल गई, लेकिन हमारे भगवान के प्रसंग, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, जिनसे नवी पीढ़ी को शिक्षा मिले उसकी बात आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस ने गस से गणेश जी वाला भी अध्याय खत्म करके गस से गधे शब्द को जुड़वाया, बच्चा भी सीखेगा तो क्या सीखेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार ताली बजा मोदी जी के लिए, 2020 की शिक्षा नीति आई जिसके माध्यम से हमने सारे पाठ्यक्रम बदल दिए, और भगवान की गरीबी अमीरी का मैंने प्रसंग सुनाया आपको, कंस वाला प्रसंग सुनाया, ऐसे कई प्रसंगों को शिक्षा नीति के माध्यम से, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया और पूरे देश के अंदर लागू हुआ कि हमारी नई पीढ़ी को अगर सिखाएंगे तो हमारे ये देव मार्ग का शिक्षा देने से इसमें क्या परेशानी, अगर ये भी सिखाएंगे तो कोई क्या सीखेगा। अरे अपने देश में से अभी भी कोई बाहर चला जाए और वो बोलना भूल जाए कि मैं भारत से आया हूं, केवल भगवान राम और कृष्ण की बात कर ले, अपने आप दुनिया बता देगी कि ये कहां से आया। अपने संस्कार, पिता से पुत्र के संबंध कैसे होना चाहिए, परिवार का निवारण कैसे होना चाहिए, एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं, आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जिस प्रकार से चल रहा है और दुनिया में उदाहरण बन रहा है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। अरे कितनी गंदी बात करते कांग्रेस वाले, क्या कहते हैं, अरे नरेंद्र मोदी का कौन है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश ने हिसाब चुकता किया, आप याद करो भगवान राम का काल चल रहा है, भगवान की हमारी माता श्री सीता का अपहरण हो गया और भगवान राम ने हनुमान जी की मदद से उनकी अपनी सीता माता को खोजा कि नहीं खोजा, और यहाँ तो थोड़ा समुद्र पार करके लंका जला करके माता का पता लेके आए, और राम जी के साथ खड़े होकर के, राम जी के साथ रावण ने क्या युद्ध किया होगा, लेकिन हनुमान जी की भूमिका कोई भूल सकता है क्या, सारे प्राणियों की भूमिका भूल सकता है क्या, लेकिन दुर्भाग्य के साथ ऐसे अच्छे प्रसंगों से हट करके, अरे आप बताइए हनुमान जी भक्त है कि नरेंद्र मोदी, अपने जीवन काल में ही अपने घर में ही कोई अपने कष्टों तभी पर हल कर सकते है क्या, अरे ऐसे एक नहीं कई लोग है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सबने अपने प्राणों की बाजी लगा करके ये लोकतंत्र दिया, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए सशक्त नेतृत्व को चाहिए, इस बात का आनंद हम सबको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज के बदलते दौर के अंदर जब चुनाव की बेला में है, आप बताइए अगर राहुल गांधी अपनी माताजी की सीट लेकर के पहुंचे, पहले सीट बिगाड़ी किनने, आप चुनाव के बीच में देखो ये कह रहे हैं आओ हमारे साथ हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अरे भाई जिनके पास उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लड़ने के लिए 80 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने निकले, ये वो लोग हैं जिनको लड़ने के लिए आज अपने कोई अपने इस प्रकार की व्यवस्था वाले, अरे दिल्ली में रहते हो दम है तो यहीं से लड़के बताए, राहुल गांधी वो मना कर रहा है, उसकी औकात मालूम पड़ जाएगी कि ये क्या होता दिल्ली, ऐसी जगह से जाके लड़ेंगे। अमेठी, रायबरेली मैं गया था फॉर्म भरवाने के लिए, हमारी अपनी स्मृति ईरानी जी ने बताया कि भाई मोहन जी आप आए हो, मैं जब पिछली बार लड़ी थी तो यहाँ से 17 बार कांग्रेस लड़ती है अमेठी से, लेकिन एक सिनेमा हॉल नहीं, एक मार्केट नहीं, एक कॉलेज भी नहीं, कोई गेस्ट हाउस भी नहीं, ऐसा लगता है कि केवल गांव गांव बना के रखा ऐसी जगह से भी, और बचा कुचा जातिगत इक्वेशन केवल उस सीट पे बोले 5 लाख वोट में से 3 लाख मुस्लिम बंधु और 2 लाख यादव बंधु इनके भरोसे से चुनाव लड़ते थे, और उनके लिए चुनाव तक 5 साल में एक बार आएंगे, हाथ हिलाएंगे और फिर चले जाएंगे, अगले चुनाव में आते थे। स्मृति जी ने जो मेहनत की कि पिछली बार धूल चटाई तो जाके भागे वायनाड तक, वो तो समुद्र आगे आगे, ये तो पता नहीं अरब के जहां अंदर जाके चुनाव लड़ते, अपने देश में तो मौका नहीं मिलता, अब वहां से भाग रहे हार के, तो अपने अमेठी में आने से डर गए, अब रायबरेली तक गए,
लेकिन चुनाव के बेला में आपके सामने ये सारी बात इसलिए कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव लड़ना यह हमारा सौभाग्य। एक व्यक्ति 51 साल की उम्र से चुनाव लड़ते हैं, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन बनने के बाद देश पूरा बदल गया। हम तो यहाँ बैठे भी हैं, आप बताओ किसमें से किसी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोविड के समय टीका नहीं लगाओ, हाथ खड़े करो जिन जिनको टीका लगे। आप सब में से ये जान भी अगर बची है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण से। और ये लोग क्या कहते हैं, ये ताली बजाने से क्या होता है, थाली बजाने से क्या होता है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी जब टीके लगवा रहे थे तब भी आपने हंसी उड़ाई थी कि मोदी टीका हम ही लगाएंगे, लेकिन जैसे लोगों की जान बची तो सबसे पहले रात की 12 बजे आके खुद ने भी टीका लगवाया। ये तो भगवान की दया है, एक ऐसा नेता है जिसने पूरे देश की जान बचाई। और देश के लिए 100 से ज्यादा देश में जहां पर टीके बांट करके हमारे लिए मौका दिया कि विश्व का लोकतंत्र। अभी सुनील भाई सही कह रहे थे कि हमारे रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के बच्चे फंसे थे, 20,000 बच्चों को बचा करके देश में लाने के अंदर की जो निर्णय किया, जोरदार ताली बजाओ, ये आगे कोई मामूली बात नहीं हो सकती। तुर्की के अंदर 8 सेना अधिकारी जिनको फांसी की सजा हो गई, लेकिन देश का नेता और देश का नेतृत्व सक्षम था, 8ों के 8ों लोग अपने घर में लौटा के लाए। हमारे पास एक नहीं कई उदाहरण है, लेकिन आज चुनाव की बेला में और हमारी अपनी कमल जीत सहरावत जी आज आई नहीं है। हम सब संकल्प करें आने वाले समय में एक एक वोट जब तक कमल के फूल पे नहीं डल जाए। और हम तो जानते हैं अपने सबके सामने आने वाली 25 तारीख के लिए, 25 तारीख को वोट डलेंगे ना यहाँ, 25 को डलेंगे शुक्रवार के दिन, तो हमको मालूम है कांग्रेस के लोग लगातार मोदी जी को गाली बक रहे हैं, सबको गाली बक रहे हैं। कोई बात नहीं बको भाई, हमको मालूम है भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की गालियां कितनी सुनी थी भाई, कितनी सुनी थी। तो आप ये मान के चलो के 24 तारीख की रात तक जितनी गाली बके सब सुनते जाओ और अपने पास रिकॉर्ड रखते जाओ। और जैसे ही 100 पूरी हुई थी, भगवान कृष्ण ने उंगली ऊपर करी थी, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आया था, आया कि नहीं आया था, और सुदर्शन चक्र ने धड़ाम से काम तमाम करा। हम भी सब सुनते जाए भाजपा वाले एक एक करके, और जैसे ही 24 के बाद 25 की सुबह होगी अपनी उंगली बचा के चलना, आपके हाथ में भी वही पावर आने वाला है। जैसे ही कमल का फूल का बटन दबाओगे, कांग्रेस का हाथ का पंजा धड़ाम से अपना काम खत्म होगा और भाजपा की विजय होगी। और एक बार फिर अपने आप सब खड़े हो जाए, निश्चित रूप से संकल्प करें आप भी खड़े हो जाए।